वेलकम टू माय चैनल देसी खाना। कैसे हैं आप सब? आज मैं चिकन निहारी बना रही हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं निहारी का मसाला तैयार करूँगी। तो ये पिसे मसाले हैं, ये बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी। सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, जिंजर पाउडर, सौंठ का पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, और अगर आप सुरख मिर्च देगी डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब मेरे पास साबुत मसाले हैं, 1 टेबल स्पून सौंफ ली है मैंने, 5 अदद मैंने ये बादियान का फूल लिया है, 5 अदद बड़ी इलायची, और 7 मैंने लिए हैं छोटी इलायची, जायफल जावित्री मैंने ली है 1 टेबल स्पून के हिसाब से, और दालचीनी ये मेरे पास 1 टेबल स्पून, काली मिर्च है साबुत, और लौंग है मेरे पास, और ये तेज़पात है बेलीफ। इन सारे साबुत मसालों को मैं पीस लूँगी। सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं जार में। अब मैं 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालूँगी इसमें, आप काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हैं। अब आप इसको ग्राइंड कर लें। आधा मसाला मैंने पीस लिया है, अब मैं ये पिसे मसाले भी इसमें शामिल करके तो फिर इसको अच्छी तरह मज़ीद पीस लूँगी। अब स्टार्ट करते हैं निहारी। तो इसके लिए 2 कप मैंने घी लिया है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ ऑनियन जो है उनके स्लाइसेस डालूंगी। प्याज़ों को ब्राउन करने के बाद मैं ऑयल में से इसको निकाल लूंगी। अब मैं प्याज़ों को निकाल लूंगी। अब इसी घी में मैं चिकन शामिल कर दूंगी। आप जब भी चिकन की निहारी बनाएं तो उसके पीसीज आप बड़े रखें, जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता मैं इसको अच्छी तरह फ्राई करूंगी। कलर चेंज हो गया है, अब मैं इसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट डालूंगी 1 टेबल स्पून भर के। चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, ये मैंने पूरा 1 चिकन लिया है। तो अब इसमें मैं निहारी मसाला डालूंगी। एक चीज़ इसमें मैंने मिक्स की है, वो है कचरी पाउडर, अगर आप वो आपके पास अवेलेबल है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें मैं निहारी मसाला डालूंगी 2 टेबल स्पून भर के। अलग से इसमें नमक मिर्च कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप अलग से इसमें मिर्च और नमक शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेरे जो मसाले हैं वो एक्यूरेट हैं। एक प्याली दही में 1 लार्ज साइज ऑनियन जो है जो मैंने ब्राउन किया था इसको मैं इसमें शामिल करके ब्लेंड करूँगी। अब चिकन साइड पे करके इसका थोड़ा सा घी मैं अलग से निकाल के रख लूँगी। अब इसमें दही शामिल करूंगी जो प्याज़ों वाला था, आप दही की जगह पे अगर टमाटर ब्लेंड करके डालेंगे तो उससे भी आपकी निहारी का टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसको अच्छी तरह मैं भून लूंगी ताकि इसका पानी जो है अच्छी तरह थोड़ा खुश्क हो जाए। अब आप इसमें पानी शामिल करें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अब इसी में चिकन हमारा जो है वो गल जाएगा। अब मैं इसको कवर कर दूंगी। अब 3 टेबल स्पून मैंने आटा लिया है, आप मैदा भी ले सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लूंगी और फिर इसको मैं 1 कप पानी में हल करके निहारी में शामिल कर दूंगी। चिकन हमारा गल चुका है, अब इसमें मैं ये आटा शामिल करूंगी जो मैंने पानी में हल करके रखा था। अब इसको आपने गाढ़ा होने तक इसको पकाना है और ये बिल्कुल आपने एंड पे डालना है। आटा डालने से इसमें जो नमक है वो कम हो जाता है, आप इसको पकाने के बाद नमक चेक करके इसमें और ऐड कर सकते हैं। निहारी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, अब जो मैंने अलग से इसी में से घी निकाला था वो मैं इसमें डाल के
अब मैं इसको दम के लिए 5 मिनट के लिए रख दूँगी और उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर दूँ। जी मज़ेदार सी चिकन निहारी हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़े की है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी सर्विंग में सब्ज़ मिर्चें, अदरक, प्याज जो ब्राउन किए थे, लेमन है, धनिया और निहारी मसाला, ये आप इसके साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक द बेल बटन फॉर माय न्यू रेसिपी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।